नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आज हम हाजिर हुए हैं। कैसे हैं आप सब? कल आप लोगों को मैंने जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी करा रही थी मैं आपको, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए उसकी दो स्टेजेस हमारी रह गई थी वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछला जो है उसको रिवाइज करते हैं। जीन पियाजे का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चल रहा था, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, और सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। आज हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है गाइस, तो कौन सी स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं आज? थर्ड स्टेज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये विच लास्ट फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। ये कब तक चलती है? 7 to 11 ईयर्स तक चलती है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो चीज़ें एक्चुअल, रियल और टेंजिबल। ठीक है, जो भी चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, रियल एग्जिस्ट करती हैं, या जिसको छू सकते हैं, उसी से ही रिलेटेड जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं बच्चों को, उसी से रिलेटेड बच्चे बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज इससे बिलोंग करती हैं। स्टेज बिलोंग्स टू एलिमेंट्री एंड अर्ली एडोलिसेंस। इस स्टेज को हम बोलते हैं एलिमेंट्री एंड अर्ली एडोलिसेंस स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एलिमेंट्री एंड अर्ली एडोलिसेंस स्टेज बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर ऑपरेशनल एक्शंस बिगिन हो जाते हैं, मतलब मेंटल एक्शंस जो है बच्चा शुरू कर देता है करना। ठीक है, जैसे और इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ईगो सेंट्रिक स्टेज जो है वो खत्म हो जाती है, डिमिनिशेस मतलब खत्म हो जाती है। ईगो सेंट्रिक स्टेज जो है यहाँ पर, मतलब बच्चा जो है ईगो सेंट्रिक नहीं होता कि ये मेरा है और ये सब चीज़ें वो बंद कर देता है, वो मैच्योर हो जाता है, वो समझने लग जाता है कि हम लोग जो है सोसाइटी का एक पार्ट हैं और मिलकर रहने में वो जो है रिलिश करता है, आनंद लेता है। ठीक है, और इसमें पहले उस स्टेज में क्या था गाइज, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसके अंदर बच्चा जो है मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर वो रियलिस्टिक हो जाता है, रियलिटी में बिलीव करने लग जाता है। अब इसमें और क्या क्या होता है इस स्टेज के अंदर, फॉलोइंग कैपेसिटीज आर डेवलप्ड। कौन कौन सी कैपेसिटीज इसके अंदर डेवलप होती हैं बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया है इसमें। देखो मैं आपको समझा देती हूँ। नंबर वन, ध्यान से देखिए, कंजर्वेशन जो है वो करने लग जाता है। कंजर्वेशन की टाइप्स मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको, नंबर, मैटर एंड लेंथ। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक उसको टू आइडेंटिकल रोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर शोन, मतलब हमने ये उसको दिखाया कुछ, ठीक है, और उनको बच्चों को दिखाया, तो बच्चों से पूछा गया कि यहाँ पर ऐसे हमने दिखाया, देखो दिख रहा होगा आपको, सेम जो है वो फॉलो किया हमने रूल। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हटा के थोड़ा सा डिफरेंट वे में लगा दिया, तो हम उनसे पूछेंगे कि विच रो हैज मोर ऑब्जेक्ट्स। बच्चों से पूछेंगे, अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चों से पूछते तो वो क्या बोलते, उनका क्या आंसर होता कि किस में ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, वो कहते हैं कि ये वाली रो जो है इसमें जो है वो मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, प्री ऑपरेशनल वाले बच्चे बोलते हैं। लेकिन जो इस स्टेज के बच्चे हैं उनमें ये समझ आ जाती है कि दोनों ही रोज में क्या हैं, सेम ही नंबर हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप समझ लीजिए इससे कि अगर हमने उनको चार ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखा दिए, ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो बच्चे कहेंगे नहीं ये वाले इसमें जो है ज़्यादा नंबर है और इसमें जो है कम नंबर है। प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे ये बात बोलेंगे, लेकिन जो कि इस स्टेज वाले बच्चे होते हैं, थर्ड स्टेज वाले बच्चे, वो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे समझने लग जाते हैं कि इसमें जो है थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, नंबर सेम है। ठीक है, ये डिफरेंस उनको समझ में आने लगता है। फिर आ जाइए आप सेकेंड चीज़, यहाँ पर मैटर कंजर्वेशन में ये कंसेप्ट आता है, मैटर यानी कि मान लो एक बच्चों को हमने जो है क्ले दे दिया, क्ले से बच्चे खेलते हैं, तो क्ले से एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। लाइक हमने उनको एक क्ले दिया जिसकी उन्होंने जो हमने पहले क्या किया, यहाँ पर सेम क्वांटिटी थी, सेम अमाउंट था, बॉल्स बना दी, और यहाँ पर उसका हमने आगे जाके मैनिपुलेशन करके इसका जो है हमने शेप चेंज कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, तो हम उनसे पूछेंगे अब इसका हमने ये शेप चेंज करा, कन्वर्जन कर दिया, हम पूछेंगे कि किस में कम है, मतलब क्ले की क्वांटिटी किस में कम है किस में ज़्यादा। तो बच्चों को जो प्री ऑपरेशनल स्टेज वाला बच्चा बोलता कि इसके अंदर जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा है और इसमें कम है, लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे हैं, 7 to 11 ईयर्स के बच्चे होते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि अमाउंट जो है वो सेम है दोनों के अंदर, और इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए इसी तरह से लेंथ का होता है।
कि अगर हमने मान लो कि दो सेम लेंथ की जो है स्टिक्स दिखा दी अलाइन करके, ठीक है, बच्चों के सामने रखी और उनसे पूछे कि ये, उन्होंने कहा कि ये सेम लेंथ है और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, ये वाली हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ी सी जो है इसको डिफरेंटली प्लेस किया, ठीक है। नाउ अब हम पूछेंगे इफ दे आर इक्वल इन लेंथ, तो बच्चों को क्या लगेगा कि नहीं ये लेंथ में इक्वल नहीं है, कौन से बच्चों को लगता जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में थे, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है डिफरेंशिएशन करने लग जाता है, उसको पता चल जाता है कि सारा मामला सेम ही है, समझ रहे हैं। अब इसी को कहते हैं हम कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन होता क्या है, देख लो, आप इसको नोट कर सकते हो, कंजर्वेशन आपको समझ ही आ गया होगा। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, द अवेयरनेस, यानी कि इस चीज का उनको ज्ञान हो जाता है कि दैट ऑल्टरिंग एन ऑब्जेक्ट अपियरेंस, मतलब उनका हम अगर उसके अपीयरेंस को बदल देते हैं, यानी इस शेप को ऐसे कर दिया, इस शेप को ऐसे कर दिया, तो अगर हम ऐसा कर देते हैं डज नॉट चेंज इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। यानी कि उसकी अगर हमने शेप चेंज कर दिया तो उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, अमाउंट है वो कम नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद आप आ जाइए इसमें सेकेंड होता है रिवर्सिबिलिटी पावर आ जाती है उनके अंदर, जैसे रिवर्सिबिलिटी यानी उनको पता चल जाता है कि फ्रिज में, अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी आपको कि अगर फ्रिज में ये लगा लीजिए कि हमने बर्फ रखी है तो वो पानी में बदलती है और पानी जो है फिर बर्फ में चेंज हो जाता है, मतलब उनको ये रिवर्स एक्शन समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद आ जाइए थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन पावर उनके अंदर आ जाएगी, ठीक है गाइज। और इसके बाद जो है इस तरह की सारी एक्टिविटीज वो बच्चा करेगा, कौन सी स्टेज में करेगा, आपकी कौन सी स्टेज में करेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में करेगा। इसके बाद आ जाइए आपकी ये जो लास्ट स्टेज है, ठीक है, लास्ट स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस, कौन सी स्टेज है बच्चों, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस, ये हमारी लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, कौन से बच्चों के लिए होती है, 12 एंड अप, 12 एंड अबव जो है, ये जो है स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, देखो फिर से ये क्या फीचर्स हैं इस स्टेज की, कि ईगो सेंट्रिक थॉट्स जो है वापस आ जाती हैं, ईगो सेंट्रिक बच्चा फिर से हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही वो ईगो सेंट्रिक नहीं होता, यहाँ पर उसकी फिर ईगो वापस आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, अपनी करता है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, यहाँ पर उसकी क्या हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, वो सोचने लग जाता है, उसकी आर्ग्यूमेंटेटिव पावर बढ़ जाती है, यानी कि बहस करने की शक्ति उसकी बढ़ती है और उसका ब्रेन जो है फुली मेच्योर हो जाता है, ठीक है, ब्रेन जो है उसका दिमाग जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और चाइल्ड कैन फॉर्म्युलेट न्यू हाइपोथेसिस एंड ट्राइज टू प्रूव, मतलब वो नए नए हाइपोथेसिस बनाने, कल्पनाएं करने की कोशिश करता है और उसको प्रूव करने की कोशिश करता है। इस स्टेज के अंदर आकर के वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चों की बढ़ जाती है, विस्तृत जो सोच होती है ना, जो नैरो सोच होती है वो घट के अब वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाएगी। इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यस, लाइक ये पियाजे ने कहा था, वेयर वुड दे वॉन्ट टू प्लेस अ थर्ड आई इफ दे हैड वन, मतलब उनके पास एक आंख है उसको वो कहाँ लगाना चाहेंगे, तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाले बच्चे थे वो कहेंगे कि हम तो जो यहाँ फोरहेड पे यहाँ ऊपर लगा लेंगे उसको, लेकिन जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं, लास्ट स्टेज जो मैंने बताई है आप लोगों को, कौन सी बताइए गाइज, कौन सी स्टेज बताई है मैंने आपको, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो वो बताएंगे कि इस आंख को जो है हम लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे तो हमें पीछे का भी दिखेगा, अगर हम बैक में लगाएंगे तो हमें जो है हर तरफ का दिखेगा, मतलब हेड के ऊपर लगा देंगे, तो उनकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से पियाजे ने बहुत अच्छे से जो है इसको क्लियर किया था जो हमने आपको पढ़ाया है आज, तो फोर स्टेजेस थी जो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी हैं। अगर आपको इन स्टेजेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि हमें अभी समझ में नहीं आया है जीन पियाजे का अच्छी तरह से, तो हम लोग कल लाइव सेशन लेंगे और उसके अंदर आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच।